बेहद ही खूबसूरत क्वेश्चन लाया हूं। अगर आप क्लास 10th में हो तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब देखो प्यारे बच्चों, पहले मैं समझा दूं ये क्वेश्चन क्या है। ये जो आप देख रहे हो ये एक राइट ट्रायंगल है, यहां 90 डिग्री बन रहे हैं, और ये जो आप देख रहे हो ये अपने आप में एक रेक्टेंगल है, और इस क्वेश्चन के लिए आपको इसी रेक्टेंगल की एरिया फाइंड करनी है। गिवन आपके सामने स्क्रीन में नजर ही आ रहे हैं, ये 4 यूनिट्स है और ये 3 यूनिट्स हैं। ये 3 सेंटीमीटर, मीटर, जो कुछ भी होंगे उसे देख लिया जाएगा। फिलहाल मैंने 4 और 3 लिख रखा है, तो आपको इसकी एरिया निकालनी है। ऑप्शंस भी मैंने आपको दे रखे हैं, आप वहां से ऑप्शन को देख लो। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे इस क्वेश्चन को काफी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ना सिर्फ क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूं, आगे किसी भी ओलंपियाड्स की अगर आप बात कर लो तो वहां भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। काफी खूबसूरत ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में काफी खूबसूरती के साथ सिमिलर ट्रायंगल और मेंसुरेशन के कंसेप्ट को मर्ज किया गया है, यानी कि मिलाया गया है। चलिए अब मैं सारी बातें आपको बताता हूं। अब देखो, इस रेक्टेंगल की एरिया आपको फाइंड करनी है। ऐसा करने के लिए इस लेंथ को हम कंसीडर कर लेते हैं एक्स, और एट द सेम टाइम ये जो आप लेंथ देख रहे हो या दैट इज ब्रेथ, तो इसे हम कंसीडर कर लेते हैं वाई, राइट। इतना करने के बाद अब आपको एक और काम करना है। देखो प्यारे बच्चों, ये दोनों ट्रायंगल में आ जाओ। इस वाले की मैं बात कर रहा हूं, चलिए मैं आपको ठीक से बता दूं, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं और इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, वो इसलिए क्योंकि अगर आप इन दोनों ट्रायंगल्स को देखोगे तो इन दोनों में, ध्यान से आप देखना, मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं और इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इन दोनों को जब आप देखोगे तो ये वाली एंगल और ये वाली एंगल 90 डिग्री हुए। चलिए मैं आपको एक बार ठीक से बताता हूं, ये वाली एंगल और ये वाली एंगल, ये दोनों कितने हो गए 90 डिग्री, और एट द सेम टाइम ये वाली एंगल और ये वाली एंगल इक्वल होंगे। किस कंसेप्ट के बिहाव पे? देखो बच्चों, ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गए ना कुछ ऐसे, देखो मैं यहां बता दूं, और ये ट्रांसवर्सल हो गए ना कुछ ऐसे, तो मुझे बताओ क्या ये वाली एंगल और ये वाली एंगल इक्वल होंगे? तो इसी बिहाव पे मैं यहां भी वही चीज को बोल रहा हूं कि ये एंगल और ये वाली जो एंगल है ये दोनों इक्वल होंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर साबित किया, और अब हम ये जानते हैं क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो गए तो सिमिलर ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं उसकी रेशियो इक्वल होते हैं, ऐसा हमने पढ़ा है। तो इसी कंसेप्ट को अगर हम अप्लाई कर दें तो हम ये लिख सकते हैं। देखो बच्चों, मैं यहां इंडिकेट करके समझाता हूं, आप समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा हम लिख भी नहीं सकते हैं, अदरवाइज मैं ए बी सी डी ऐसे करके लिख करके दिखाता, लेकिन आप यहां समझ लो, आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या हम ये लिख सकते हैं, दिस लेंथ बाय दिस लेंथ मस्ट बी इक्वल टू दिस लेंथ बाय दिस लेंथ, और अगर जरूरत हुआ तो हम ये भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू दिस लेंथ बाय दिस लेंथ। हालांकि इस क्वेश्चन में इस वाले हिस्से की जरूरत नहीं होगी, तो फिलहाल बस मैं ये लिखने वाला हूं दिस लेंथ बाय दिस लेंथ, दैट इज, चलिए यहां ऐसे लिख देता हूं, दैट इज 4 by y हो जाएगा, ठीक है। दिस लेंथ बाय दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ बाय दिस लेंथ, इसे तो काफी आसानी से हम लिख ही सकते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, ये जो एक रेक्टेंगल है, आप मुझे बताओ रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, एल इंटू बी होती है ना, तो इस रेक्टेंगल की अगर एरिया की मैं बात करूं तो यहां एल इंटू बी का मतलब क्या है, एक्स इंटू वाई। तो अगर आप किसी तरीके से एक्स वाई की वैल्यू निकाल लोगे तो वही तो एरिया होगा। और देखो प्यारे बच्चों, बस यूं समझ लो आपका काम हो चुका है, इन दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको दे देगा एक्स वाई इज इक्वल टू 4 3 12। यूनिट वगैरह फिलहाल कुछ दिया हुआ इसमें नहीं है क्वेश्चन में, तो हम भी नहीं लिखेंगे, अगर कुछ दिया होता तो हम उसे यहां लिख लेते सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ या फिर मीटर स्क्वायर के साथ। तो फिलहाल एज पर द ऑप्शन, हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। तो आई होप प्यारे बच्चों, इस छोटी सी वीडियो के हेल्प से मैंने आपको वैल्यू प्रोवाइड किया होगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।